मैकेनिज्म तो लेके आई है, उसका तो आपको स्वागत करना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर हिज रिप्लाई डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी। धन्यवाद सभापति महोदय जी। आज के संविधान संशोधन विधेयक पर पूरे सदन ने जिस तरह से एकमत होकर समर्थन किया है, मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करना चाहता हूं। हमारे दल अलग अलग हो सकते हैं, हमारी विचारधाराएं भी अलग अलग हो सकती हैं, हमारी प्रतिबद्धताएं भी हमारी अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी एक चीज जो है ना बहुत अच्छी लगी आज, कि पिछले पूरे क्षेत्र में अनेक दिनों से व्यवधान के चलते हुए भी आज जब यह ओबीसी वर्ग को न्याय दिलाने के लिए बिल सदन में लाया गया और इस सदन के सभी माननीय सदस्यों ने अपनी प्रतिबद्धताओं के हिसाब से दल की विचारधाराओं की बात रखी यहां पर, लेकिन बिल का जिस तरह से समर्थन किया गया है वो वास्तव में एक स्वागत योग्य कदम है, ऐतिहासिक दिन है। मैं सभी माननीय सदस्यों को सुना, विचारों के प्रवाह के समय कहीं माधुरी भी होता है, कहीं कटुता भी आती है। पिछले संविधान संशोधन 102 का उल्लेख किया गया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध है और हमारी सरकार के द्वारा ओबीसी वर्ग के कल्याण के लिए जिस तरह से कदम उठाए गए, मैं सुन रहा था माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी को, आदरणीय भूपेंद्र गुप्ता जी को, भूपेंद्र यादव जी को, हमारे और भी अन्य साथियों को, हो जाता है, और हमारे विपक्ष के साथियों को भी। धर्मेंद्र जी ने इतनी सूक्ष्मता से, भूपेंद्र यादव जी ने पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन से लेकर आज तक उसमें हमारी प्रतिबद्धता, हमारे द्वारा किए गए कार्य, उन सबके बारे में बहुत अच्छे ढंग से यहां पर सारी बातों को यहां पर रखा। हमारे विपक्ष के साथियों के द्वारा भी अपनी बातें रखने के साथ ही साथ कुछ बिंदु सामूहिक रूप से निकल कर आए, सामूहिक, वो बात चाहे 50% आरक्षण की बात हो या जातिगत आरक्षण की बात हो, जातिगत जनगणना की बात हो, क्रीमी लेयर की बात हो, ये शुरुआत होती है माननीय सभापति महोदय जी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जो मराठा समुदाय को आरक्षण दिया गया और उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने जो आदेश किया उसके संबंध में हमारी सरकार ने जो है ना समय समय पर जो कदम उठाए। 9 सितंबर 2020 को इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का पहला आदेश आया और जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान करने पर रोक लगा दी, साथ ही मामले को सुनवाई के लिए बड़ी बेंच को सौंप दिया। दिनांक 5 मई 2021 को सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय का दूसरा आदेश आया और महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा मराठा समुदाय को दिया गया आरक्षण रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय में संविधान 102वां संशोधन अधिनियम 2018 की संविधानात्मक वैधता को भी बरकरार रखते हुए कहा कि यह संशोधन संविधान के बुनियादी ढांचे या संघीय संरचना को नुकसान नहीं पहुंचाता है। पिछड़ा वर्गों की पहचान संबंधी कार्य में राष्ट्रपति 338 बी के अंतर्गत स्थापित राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सलाह से काम करेगा।
इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ओबीसी की श्रेणी में आने वाले किसी भी समुदाय की पहचान करने के अधिकार से सभी राज्यों को वंचित कर दिया। हालांकि आरक्षण की मात्रा प्रकार आदि को तय करने की राज्यों की शक्ति यथावत रखी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने 13/5/2021 को रिव्यू पिटीशन दायर की, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय को उपर्युक्त निर्णय पर पुनः विचार करने को कहा। विभाग के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में राज्यों की ओबीसी सूची के रखरखाव की शक्तियों का समर्थन किया गया था और सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 1 जुलाई 2021 को रिव्यू पिटीशन को रद्द कर दिया गया। माननीय सभापति जी, उल्लेखनीय है कि सर्वोच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अन्य ओबीसी समुदाय को दिए जा रहे आरक्षण को निरस्त नहीं किया। माननीय सभापति महोदय जी, और इस कारण हमारी सरकार ने संविधान संशोधन विधेयक 105 लाने का तय किया। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे इस वर्ग के हमारे जो बंधु हैं, हमारे जो विद्यार्थी हैं, और अभी जो मेडिकल कोटे का निर्णय लिया, डेंटल का कोटे का निर्णय लिया, उस निर्णय के कारण आज ओबीसी वर्ग के छात्रों के बीच में बहुत उत्साह का, उमंग का वातावरण है। वो बड़े प्रसन्न इस निर्णय से। कल मेरे पास बहुत सारे ओबीसी वर्ग के छात्रों का समूह हमारे पास आया था और उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लोकसभा में यह बिल लेकर आए, वो बिल यहां पर पारित हो गया। पारित होने के बाद उन्हें यह राज्यसभा में जाने वाला है और हमारी ओर से राज्यसभा के सभी राजनीतिक दलों के माननीय नेताओं से और माननीय सदस्यों से इस बात का अनुरोध करना कि ओबीसी के छात्रों को न्याय मिले, और इसके लिए ये सदन, हमारा राज्यसभा का सदन भी सर्वसम्मति से और इस बिल को पास करे। मैं उन छात्रों से जब बात कर रहा था, उन छात्रों के मन में जो है ना, यह विश्वास आ रहा था कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अगर निर्णय लिया है तो यह निश्चित रूप से पूरा होने वाला है। केवल बात मेडिकल कोटे में आरक्षण की बात नहीं, बल्कि बाकी योजनाओं में भी, उनको चाहे फेलोशिप की बात हो, चाहे विदेश अध्ययन में जाने की बात हो, चाहे उनको प्रशिक्षण देकर उनको रोजगार की बात हो, हमारा यह जो बिल आएगा, जो बिल आया है, इस बिल से राज्यों में राज्य सरकारों की जो सूची बनाने की शक्ति है, उसके कारण से उनको राज्यों में, वहां में शिक्षा में, वहां नौकरियों में, और शासन की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन सारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उनको मिल सकेगा। आज का ये नौजवान बहुत बहुत आगे चलकर सोचता है, बहुत आगे जाकर सोचता है। हमारे आदरणीय कई मित्रों ने इस बात को रखा और उन्होंने जो 50% आरक्षण की सीमा के संबंध में बात रखी कि इसको बहुत सारे विचार तरह तरह के निकल के आए। सरकार इस बात को समझती है, भावना को भी समझती है, और 50% आरक्षण की सीमा पर विचार होना चाहिए, विशेष रूप से इसलिए कि 50% की सीमा 30 साल पहले जो है ना लगाई गई थी। इंदिरा साहनी वाले मामले में हमारे बहुत सारे मित्रों ने इसके बारे में उल्लेख किया। जनगणना की बात की गई, अब जो 2011 में जो जनगणना हुई थी, उस जनगणना में ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा उसके बाद सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण भी कराया गया, जिसमें जाति संबंधी प्रश्न भी पूछे गए थे, लेकिन यह सर्वे ओबीसी के संबंध में नहीं था। सामाजिक और आर्थिक जनगणना जो है ना, 2011 में जो आंकड़े आए, वो आंकड़े बहुत ज्यादा जटिलताओं से भरे थे, लेकिन उन आंकड़ों को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने, जो हमारे समाज के गरीब तबके के लोग हैं, जो हमारे पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनके आवास में, उनको उज्ज्वला योजना में, उनको आयुष्मान भारत योजना में, ऐसी सारी योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुंचाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ में आगे बढ़ी। आदरणीय सभापति महोदय जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं
और उन बातों को मैं रिपीट नहीं करना चाहता जो हमारे आदरणीय भूपेंद्र यादव जी ने और हमारे आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने सारे बिंदुओं के बारे में, इन सब बिंदुओं के बारे में काफी विस्तृत रूप से यहां पर उल्लेख किया। मैं आदरणीय सभापति महोदय जी, हमारे एक सदस्य के द्वारा कहा गया था ओबीसी के बारे में, जब उन्होंने उल्लेख किया तो उन्होंने अपने राज्य के पेरियार जी का, ज्योतिबा फुले जी का उन्होंने उल्लेख किया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार पेरियार जी का, ज्योतिबा फुले जी का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, इन सभी का सोच ये था कि समाज के सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम छोर पर जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति के कल्याण के लिए जब तक वो सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक रूप से जो है विकास की दौड़ में आगे नहीं आता, तब तक हमारा विकास अधूरा है। ऐसे ही लक्ष्य को इन हमारे महापुरुषों के द्वारा जिस लक्ष्य को निर्धारित किया गया, उस लक्ष्य को ही प्राप्त करने के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह संविधान संशोधन विधेयक यहां पर लाया गया है। और मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं, आपके माध्यम से सदन से अनुरोध करता हूं, इस बिल को जो है ना पास कराया जाए।